आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला इवी गार्ड और कुंदरू फ्राई। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए इवी गार्ड और कुंदरू 250 ग्राम, बेसन 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, फ्राइड सीसम सीड 1 टीस्पून, ड्राई मैंगो पाउडर 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स 1 टीस्पून, रिफाइंड ऑयल 1/2 लीटर, नमक स्वाद अनुसार। बनाने की विधि, पहले एक बाउल लीजिए, उसमें कुंदरू का स्लाइस किया हुआ डालिए, फिर उसमें बेसन 1 टेबलस्पून मिलाइए और कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून डालिए, फ्राइड सीसम सीड 1 टीस्पून डालिए, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच डालिए, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, करिएंडर लीव्स या धनिया पत्ता 1 टीस्पून, फिर सभी को अच्छे तरह से मिला लीजिए। इसमें से थोड़ा पानी डालिए और अच्छे तरह से मिलाते रहिए। जब सभी अच्छे तरह से मिल जाए, फिर एक कढ़ाई में तेल डालिए, जब तेल गर्म हो जाए उसमें इवी गार्ड और कुंदरू जो बेसन से मिला के हम रखे थे एक एक करके डालते रहिए। उसको आहिस्ता आहिस्ता तेल में डालते रहिए। तेल में लगभग 5 मिनट तक पकाइए और दोनों तरफ से पकाते रहिए। इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, धीमी आंच में आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहिए। जब ये अच्छी तरह से तेल में पक जाए, फिर एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लीजिए ताकि सारे तेल पेपर सोख ले। फिर उसे गरम गरम किसी भी डिश के साथ सर्व कीजिए। तो आज का हमारा मसाला इवी गार्ड और कुंदरू फ्राई रेडी है सर्व के लिए।